नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। मैं हूं आपके साथ नेहा। दिखा रहे हैं सीधी कवरेज डेरा सच्चा सौदा से, जुड़े हैं उन लोगों के साथ, जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पूजा इंसा। कहाँ से हैं मैम आप? मैं पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट जो है फाजिलका है हमारी। क्वालिफिकेशन क्या है मैम आप? एम ए कर रही हूँ मैं। डेरे से आप कब से जुड़े हुए हैं? 5 ईयर की थी जब से हम डेरे से जुड़े हुए हैं। मैम इतने सालों से आप डेरे से जुड़े हुए हो, कुछ भी गलत होते हुए यहाँ पे देखा आपने? नहीं मैम, कभी कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं है। यहाँ पर तो लोग बड़े बड़ी गलतियाँ सुधार चुके हैं, यहाँ पे कैसे कुछ गलत हो सकता है? कभी भी ऐसे यहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें यहाँ से। मैम गुरुजी पहले जब डेरे में थे वचन फरमाते थे, बता रहे हो आप, तो मैम क्या क्या वचन फरमाते थे, क्या गैदर क्या किया है आप? पिताजी यही कहते थे जब डेरे में थे हम आते थे, पिताजी कहते थे बेटा कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है, ठीक है, बुराइयाँ छोड़नी है। अगर जो लोग बुरा करते हैं उन्हें सिख्या देनी है कि बेटे बुरा कुछ नहीं करना है, सच्चाई के रास्ते पर चलो, मानवता भलाई के काम करो, जितनी हो सकती है हेल्प करो सभी की। मैम आप एक लड़की हो तो मैम आप डेरे में आए हो, मैम कभी आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ है? नो मैम, कभी भी कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ये तो बस मन कहानियाँ बनाई है यहाँ पे कि डेरे में ये होता है, डेरे में वो होता है, लेकिन मैं 5 ईयर की थी जब से यहाँ पे आती हूँ, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं, हम अपने आप को सेफ मानते हैं यहाँ पर आकर। मैम क्यों डेरे को इतना बदनाम किया गया है? बस यही है ना, आजकल कल युग है, कोई चाहता नहीं है कि वो शाही चल रही है वो आगे जाए शाही, ठीक है, सभी जाते हैं बुराई बढ़े बुराई बढ़े। बस पिताजी सभी को बुराई छुड़ाकर सच्चाई के रास्ते पे चलाना सिखाते हैं, पर ये कुछ लोगों को मंजूर नहीं है। मैम चाहते हो गुरुजी को डेरे में होना चाहिए? हाँ जी होना चाहिए डेरे में, क्योंकि डेरे में आकर इतने बड़े बड़े जो करिश्मे हुए हैं, ठीक है, हमने देखे हमारे साथ खुद करिश्मे हुए हैं, मौत के मुँह से लोगों को बाहर लाया जाता है, ठीक है, मानवता भलाई के काम कराए जाते हैं, अंधों को आँखें दी जाती है, जब किसी का बर्थडे होता है तो पिताजी बताते हैं बेटा केक वगैरह नहीं ब्लड डोनेट किया करो, उसके देश से ब्लड। मैम आगे क्या हो जाएगा अगर गुरुजी आज डेरे में हो, मतलब होंगे भी, मतलब क्या हो जाएगा, क्या सुधार आ जाएगा डेरे? बहुत सुधार आएंगे, लोग जो नशे की तरफ जा रहे हैं वो नशा छोड़ेंगे, जो गलत काम हो रहे हैं, जैसे देखो आजकल लड़की सेफ नहीं है कहीं भी बाहर जाकर, लेकिन इस दर पर आकर कुछ भी ऐसा किसी के साथ गलत नहीं होता। ये तो कहानियाँ बनाएंगे, हाँ डेरे पे रेप होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन आज तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हम खुद हैं, हम अकेले आते हैं, हमारे पेरेंट्स भी यहाँ साथ पे नहीं आते हैं, अगर उन्हें मालूम है ट्रस्ट है यहाँ पे तभी तो भेजती है हमें अकेला कि हाँ मैम लड़कियाँ सेफ हैं।